तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, शाहरुख खान प्लस राजकुमार हिरानी की मूवी डंकी को आए हुए 26 यानी कि 26 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और प्रभास प्लस प्रशांत नील की मूवी सलार को आए हुए 25 यानी कि 25 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इन 24-25 से प्लस दिनों में दोनों ही मूवीज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हुआ है और दोनों ही मूवीज में से क्रिसमस की विनर कौन है। सबसे पहले अगर हम डंकी मूवी की बात करें तो डंकी का फर्स्ट 26 यानी कि 26 दिनों में इंडिया से जो नेट कलेक्शन है वो 225 करोड़ का हो चुका है, ग्रॉस कलेक्शन 270 करोड़ का हो चुका है, ओवरसीज कलेक्शन 175 करोड़ का हो चुका है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डंकी का 445 करोड़ का हो चुका है। वहीं अगर हम सलार मूवी की बात करें तो सलार मूवी का फर्स्ट 25 डेज में इंडिया से नेट कलेक्शन 405 करोड़ का हो चुका है, ग्रॉस कलेक्शन 480 करोड़ का हो चुका है, ओवरसीज कलेक्शन 133 करोड़ का हो चुका है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 612 करोड़ का हो चुका है। अब अगर हम दोस्तों दोनों मूवीज के बजट को कंपैरिजन करें तो डंकी मूवी का बजट जो था वो 120 करोड़ का है और सलार मूवी का बजट जो है वो 250 करोड़ का है। डंकी 120 करोड़ के बजट में बनने के बाद 445 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, यानी कि 3 times ज्यादा अपने बजट से कलेक्शन कर चुकी है और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई है। वहीं सलार मूवी 250 करोड़ के बजट के साथ 612 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, यानी कि ये भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई है। अब चाहे डंकी मूवी हो या सलार मूवी हो, दोनों ही मूवी ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में आ चुकी है क्योंकि दोनों ही मूवीज ने अपने बजट से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुका है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है डंकी और सलार में अभी कौन सी मूवी ज्यादा देर तक रन कर पाएगी? क्योंकि फाइटर मूवी को लगने के साथ ये दोनों मूवीज की उम्मीद है कि पूरी तरह से इसकी स्क्रीन चली जाएंगी। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।